कॉफी विद एंटरप्रेन्योर में वी वेलकम यू ऑल। हमारा जैसा कि आप जानते हैं स्लोगन है कि टाटा बिरला अंबानी इनकी कहानी सब में है जानी। आपके भी संघर्ष की है एक कहानी जो अब हमें लोगों को है बतानी। इस कड़ी में हमारे साथ फिर से एक लेडी एंटरप्रेन्योर है। मैंने लेडी एंटरप्रेन्योर नहीं बोलूंगी क्योंकि ये एंटरप्रेन्योर बनाती हैं और बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो कि इनको देख के मोटिवेट होते हैं। यह हमारे साथ है पाकिस्तान की जलकन्या की उपाधि जिसे मिली थी, मैं बात कर रही हूँ कोई और नहीं शोभा भगवान सदानी। परिचय की जरूरत नहीं है तो चलिए आइए सुनते हैं उनका सफर उनकी ही जुबानी। हेलो शोभा जी, वेलकम यू इन कॉफी विद एंटरप्रेन्योर। कई एंटरप्रेन्योर बोलते हैं हम मिलते हैं लेकिन आप ऐसी हैं जिन्होंने बहुत सारे लेडीज एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ाने में उनकी मदद की है, उन्हें एंटरप्रेन्योर का मतलब सिखाया है, उनको एक बेस दिया है। लेकिन हम शुरुआत करना चाहते हैं आपकी बिगनिंग से। आप कहाँ से? आप पाकिस्तान से हैं? हाँ, मेरा जन्म पाकिस्तान से है, मैं उसके बाद बांग्लादेश से हूँ और आज मैं फुल्ली भारतीय हूँ। जी हाँ, बिल्कुल भारत से हैं। पाकिस्तान से जब लड़ाई हुई थी तो उस वक्त बहुत सारे हिंदू जो हैं वो कलकत्ता आए थे, इनमें से शोभा जी का भी परिवार एक था। उनकी बहुत ही दिलचस्प इन्होंने कहानी सुनाई थी पाकिस्तान में किस तरीके से नदी क्रॉस की थी इन्होंने, उस बारे में हमें कुछ बताइए। आई फाइंड दैट स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी मोटिवेटिंग। उस टाइम हम लोग बहुत स्टार्टिंग ही था, तब तक वो राजाकार वाहिनी या मुक्ति वाहिनी जो भारत से बने थे वो नहीं बने थे, तो पाकिस्तानी जो सेना थे वो गांव के अंदर इंटर नहीं कर पा रहे थे और हम लोग उस टाइम गांव से ही मतलब गांव में 1.5 महीना रहे, लेकिन उसके बावजूद लगा कि नहीं अब तो यहाँ से जाना ही उचित है। उस समय पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, आप तो गांव में छुपे हुए थे? गांव में छुप गए थे। ओके, घर से निकल के। ये आपके 70 की है, जब 71 की मार्च की है। हाँ जी, मतलब आपका पूरा परिवार गांव में छुपा हुआ? हाँ, पूरा परिवार नहीं, जो खुलना बोल के एक जगह में हम लोग रहते थे जहाँ पाट के बिजनेस बहुत बड़े रूप से था, वहाँ हमारे 30 परिवार मारवाड़ीज थे, नॉट ओनली महेश्वरी। ओके, हम लोग सब एक साथ वहां से निकलकर फुल तल्ला बोल के एक जगह है वहां छुपे हुए थे। ओके, एक स्कूल में, वो भी एक लाइफ थी, ओनली 4 रूम्स, पूरे परिवार, सब बच्चे एक साथ, डेली कुछ खाते थे, जब बनता था पत्तल में देते थे, डकेताया आवाज आती थी और हम लोग सब भाग जाते थे, छुप जाते थे, वापस आके देखते थे वो पत्तल में जो खाना है वो कुत्ता खा रहा। Oh my God. ऐसा भी सिचुएशन आया है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग जो सामूहिकता वाली चीज थी, सब कोई एक साथ थे और हम लोग इसलिए जंगल, गांव, नहर पार करके ये सब करते करते हम लोग इंडिया बॉर्डर पहुंचे। यस, आमुदिया बोल के जो बॉर्डर था वहां पहुंचे, फिर वहां से बाय ट्रेन कलकत्ता पहुंचे। ओके, तो कलकत्ता में क्या आपके बहुत रिश्तेदार थे? 5 भाई बहन और मम्मी पापा, भाई बाबू जी, हम लोग 7 जन का परिवार ही वहां। जैसा कि आपने सुना कि पूरा परिवार पाकिस्तान से किस तरीके से आया और इनके ऊपर ऑलरेडी बहुत ही छोटी उम्र में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि अब आपको ये जो 5 साल की एक बच्ची है उसका केयर रखना है। उस वक्त आपको 6-7 साल की थी? नहीं, मैं 10 साल की। 10 साल की थी, तो 10 साल की उम्र में एक 5 साल की बच्ची का ख्याल उस वक्त रखना, एक वॉर के वक्त में जब बोर्डिंग डकैत आया, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि लीडरशिप क्वालिटी इनमें बचपन से ही बढ़ती थी। एक और बहुत ही दिलचस्प कहानी है कि 6 साल की उम्र में इन्हें जल कन्या का खिताब मिला था पाकिस्तान में, तो वो कहानी भी काफी रोचक है, मैं उसके बारे में आपसे पूछना चाहूंगी। मतलब मेरे भाइयों के कमाई के लिए हुआ जिन्होंने, चार भाइयों में सबसे छोटे हैं, 4 मेरे बड़े भाई हैं। गंगा दशहरे के दिन गंगा जी की पूजा होती है, तो भैरव नदी वहां पर हमारे खुलना में बहती है, आज भी बहती है,
और हमारा घर भी एकदम नदी के किनारे ही था, तो वो हम लोग पूजा में जाते थे और वहाँ बड़े बड़े फ्रूट्स गंगा जी में मतलब भैरव नदी में डाला जाता था, हम लोग उसको लूटते थे, लूट के बच्चों में गरीबों में बांट देते थे। तो उसी के करते 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 भैया लोग ऐसा एक्साइटेड किए मेरे को कि मैं आधे गंगा जी पार कर चुकी थी। तो उन लोग बोले कि अरे अब तो थोड़ा सा बाकी है। 6 साल की उम्र थी, 6 साल की, मतलब वो लूटने के लिए कि हम लेके सबको दे दें। हाँ, वो एक नाव भी साथ में चलती थी तो लूट लूट के नाव में डालते रहते थे। ओके। और एक वो बड़ा मतलब 20-25 बच्चे हम लोग एक साथ रहते थे। अच्छा। उछल कूद करते हुए तो फिर आपने वो पूरी, हाँ मैंने पूरा फिर वो नदी पार किया, तो वो एक रिकॉर्ड बन गया और उस उम्र में और उस टाइम में तो बहुत एप्रिसिएशन भी मिला। बहुत ही छोटी 6 साल की उम्र में एक नदी पार करना, और उस समय लोगों ने ताली खूब बजाई और जिसकी आदत हो जाती है लोगों को, और जब आप ताली की गड़गड़ाहट सुनते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है, और इन्हें उपाधि मिली जल कन्या की। तो शोभा जी आप लोग कलकत्ता आ गए। हाँ जी। यू डिड योर ग्रेजुएशन हियर। या तो इसके बारे में कुछ हमें बताइए कि कैसे। मैं विवेकानंद की बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ, तो कभी जैसे वो कहते हैं ना कि उठो जागो दौड़ो जब तक मंजिल न मिले रुको मत, तो इस चीज पर बहुत ज्यादा मेरा विश्वास था। और मैं ये सबको ये भी कहना चाहूंगी कि जब आपने अपने अस्तित्व के लिए खुद खड़े होना सीखते हो तो लोगों का साथ मिलता है, क्योंकि रिजल्ट दिखता है। आप कुछ कर सकते हो, आपके अंदर वो जो चीज है वो क्वालिटी है, जज्बा है, वो जज्बा है और वो रिजल्ट देने की क्षमता है, तो आपके परिवार जो शादी हो चाहे नहीं हो, और आप में टाइम मैनेजमेंट, आप में वो कैपेसिटी, वो ड्यूअल कैरेक्टर निभाने की कैपेसिटी कि आप परिवार के साथ भी चलते हो, परिवार के साथ खड़े रहते हो, परिवार में सबसे ज्यादा अपना टाइम देते हो, उसके बाद अपने टाइम में आप क्या करते हो, तो जब कुछ एक्स्ट्रा टाइम, देखिए मैं अपने मोटिवेशनल स्पीच में भी एक चीज बोलती हूँ कि टाइम का भी फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए। वो कैसे, जब आपके पास टाइम हो आप दूसरे को बहुत, जब आपको जरूरत हो वही फिक्स डिपॉजिट आपको टाइम का सब मिलके देते हैं। तो मुझे भी कुछ ऐसा मिला, पहले मैं दी हूँ, मुझे उसके साथ साथ टाइम मिलता गया, चाहे मेरी जेठानी आती, चाहे ननंद थी, चाहे मेरी सास थी, चाहे मेरे पेहर वाले थे, मेरे हस्बैंड, इवन मेरे बच्चे, बच्चे तक जिनको मेरी प्रायोरिटी चाहिए थी कि मैं उनको अपना समय अपना सब कुछ दूं, उसके साथ साथ उन लोग भी सेम मुझे दिए मेरे को खुद को तैयार करने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी। बचपन से उन लोग अपने आप को ग्रो अप वैसे किए कि मम्मी को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। कलकत्ता में आप आए तो कलकत्ता में मैं क्लास 9 में ही आ गई थी, बांग्लादेश किए ही नहीं पढ़ाई, और फिर हम लोग को बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश में हमारे जूट मिल्स वगैरह सभी वहाँ थे, धंधा वहाँ, तो वापस हम लोग को जाना पड़ा। और फिर सब जब मुजीबुर रहमान को मारा गया 75 में, तब हमारे भैया लोग बोले कि जे अब यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, तो कम से कम शोभा को लेके मम्मी पापा को और छोटे भाइयों को कलकत्ता शिफ्ट किया गया। तो उसके बाद आपने यहाँ पे क्लास 9 से शुरू, क्लास 9 से यहाँ से शुरू किया, तो बंगाली मीडियम से आप पढ़ी। हाँ, बंगाली मीडियम और इंग्लिश सब्जेक्ट था ही, और संस्कृत मेरा एक सब्जेक्ट था। मैं आज ये कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान में या बांग्लादेश में मैं जब पढ़ती थी वहाँ थर्ड लैंग्वेज संस्कृत पढ़ाते थे। अच्छा। जो भारत को सीखना चाहिए। ओके। वहाँ मैंने थर्ड लैंग्वेज संस्कृत पढ़ी है, और मेरे बाबूजी से मैंने गीता सीखा है, तो संस्कृत जानती थी पढ़ती थी, वहाँ थर्ड लैंग्वेज संस्कृत था। सोचिए थर्ड लैंग्वेज मतलब उर्दू भी था मुसलमानों के लिए, हाँ। और हमारे हिंदुओं के लिए थर्ड लैंग्वेज संस्कृत, ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी बात है जो मुझे भारत में नहीं दिखती आजकल। शादी के बाद इनके हस्बैंड ने, भगवान सादानी जी ने काफी मदद की इनकी, अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ जॉइंट फैमिली, लेकिन जब करना चाहते हैं कहते हैं ना जहाँ चाह वहाँ रहा, और उसके बाद इन्होंने ऑटोकैड की ट्रेनिंग ली, राइट? हाँ, ऑटोकैड का मैंने कोर्स किया जब मेरा बेटा 10 महीने का था तब से। ओके। और उसके बाद मैंने कंप्यूटर कोर्स किया, बेसिक DBS 3 उस टाइम ये सब चलता था, तो वो सब कोर्स भी किया, मतलब जब तक बच्चा थोड़ा छोटा था मैं बाहर नहीं निकल सकती थी तब तक किया। और फिर मुझे
आर्ट से भी बहुत लगाव था, मैं गिटारिस्ट भी थी, तो उन सब चीजों का भी मैं यूज की। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे गिटारिस्ट है, तो हमारे घर में एक संगीत का माहौल भी है। Okay. मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है। Okay. बिटलेश के नाम से यूट्यूब में है आज भी। ओके ओके, तो एक वो भी माहौल था घर में। ओके, तो ये सब लेकर संगीतमय माहौल। हाँ, तो 2-3 साल ये सब में भी निकल गए। और जब मेरी बेटी हुई 3.5 साल बाद बेटे के, तो मैं जब बेटी 1 साल की थी तब से मैं सोशल में एकदम एक्टिव हो गई। मैं प्रदेश की सचिव बनी, फिर मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी। सचिव 2 साल ही रही और ग्रोथ अचानक नहीं, मेरी कैपेसिटी और सब चीज देख के मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। ओके, फिर मैं राष्ट्रीय महामंत्री बनी। ये 4-4 साल के उस टाइम ट्रेनर, ऑल इंडिया माहेश्वरी महिला संगठन। इनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है माहेश्वरी समाज में, मैं बोलूंगी अगर इन्हें माहेश्वरी समाज का हीरा कहा जाए तो वो कम नहीं होगा। इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष और ऐसे कई चीजें हैं जो इन्होंने उपाधि पाई है। तो मुझे एक चीज और बताइए, सोशल सर्विस जो आप कहती हैं और दिस वन मोर ड्रीम प्रोजेक्ट व्हिच यू आर हैविंग, कैन यू टेल मी अबाउट इट, व्हाट इज अबाउट दैट? मैंने सब तरह से ही किया। जैसे उस टाइम मैं आपको बताऊं कि यूथ के लिए मैंने काम किया है, यूथ को मैंने ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है, यूथ फेस्टिवल बनाया है जिसमें मैंने यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए, समाज से जोड़ने के लिए, मैं राष्ट्रपति जी को भी बुलाई थी, प्रतिभाताई पाटिल को, और राष्ट्रीय जी बिरला आई थी उसमें, और नितिन जी गडकरी उसमें बीजेपी के अध्यक्ष थे वो भी आए थे, और मैंने स्पेशल अट्रैक्शन के लिए चेतन जी भगत को भी बुलाया था, द यंग राइटर। या यंग राइटर उस टाइम तो खैर, और वो अपने भाषण में बोले थे कि शोभा जी मेरा ड्रीम था कि मैं विज्ञान भवन में आके भाषण दूं, तो जो आपने करके दिया मेरे साथ, तो ऐसा है। उसके बाद मैं ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स ली हूँ, मैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए माइटी एक्सपो नागपुर में बहुत बड़े रूप से एक माइटी एक्सपो भी किए थे, उसमें वर्कशॉप्स थे। आप रेणु खटोर जो वाइस चांसलर है इसमें यूएसए में, यूएसए यूनिवर्सिटीज की वो वाइस चांसलर थी तब वो आई थी, और सुभाष जी लाखोटिया उस टाइम टैक्स गुरु थे, और भी बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे जैसे स्पीकर्स को बुला के हमने वर्कशॉप कराया था बिजनेस फोरम्स के लिए, जिस बिजनेस फोरम में आज आप हमको बुलाए हैं इंटरनेशनल। इसलिए मेरे को इस फोरम से बहुत अट्रैक्शन भी है, क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमारे महिलाओं के प्रति मैं जागृत रहती हूँ, और उस टाइम मैंने MMU महेश्वरी महिला उद्योग बोलकर मैंने स्टार्ट किया था, और उसमें काफी महिलाओं को मदद भी मिली थी, और बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट ये थ्रो हुआ था, लेकिन कुछ कोरोना के लिए और कुछ ऐसे, लेकिन वापस इसको मैं अभी ग्रो अप करना चाह रही हूँ, तो बिजनेस फोरम भी इसके साथ जुड़ना चाह रहा है, महेश्वरी फोरम इंटरनेशनल बिजनेस फोरम, तो हम लोग इसको बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके साथ मैं देश के लिए भी बहुत कुछ की थी। आपको मैं बताऊं, मैं कलकत्ता में गंगा बचाओ आंदोलन की हुई हूँ, गुड़िया बचाओ आंदोलन की हुई हूँ, जब निर्भया कांड हुआ था उसका भी हमने यहाँ पर विरोध करके रैली निकाली थी, और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी हम लोगों ने लिया था, और गंगा बचाओ आंदोलन हमने यहाँ गंगा पूजन, गंगा सफाई और गंगा चुंदरी मनोरथ करके एक जागृति लाने की कोशिश किए थे हम लोग। उस टाइम कम से कम 8-10 हजार महिलाएं उपस्थित हुई थी मल्लिक घाट पर। उस टाइम मेयर थे शोभन जी और सुदीप जी बंदोपाध्याय, बाकी सभी आए थे, और बहुत ही सुपर कार्यक्रम था। तो इस तरह का प्रोजेक्ट आज मैं जो मैं भारत फाउंडेशन की मैं अंतरराष्ट्रीय महामंत्री हूँ, तो हम लोग अभी इसी फाउंडेशन के अंतर्गत मैं भारत फाउंडेशन भारतीय प्रतिबिंब कल आज और कल, तो इसको भी हम लोग नमामि गंगे बोल के एक प्रोजेक्ट को हम लोग गंगोत्री से गंगा सागर करने के लिए सोच रहे हैं। पुरातन और सनातन भारत को हमारे यूथ के सामने रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और भारतीय सभ्यता को पूरे विश्व में भारत ने क्या दिया, चाहे आप व्याकरण बोलेंगे, ग्रामर से लेके, सुनने से लेके, तो औषधि से लेके, योगा प्राणायाम से लेके, क्या नहीं दिया भारत ने। बिल्कुल, एक बात मैं और कहना चाहूंगी वंदना जी, कि भारत को तो लूटने के लिए आए थे ना, आपके घर में कुछ नहीं है, आप झोपड़ी में रहते हैं, डकैती होती है क्या? नहीं होती है, डकैती कहाँ होती है, महलों में होता है। तो भारत में संपदा था नहीं,
कोहिनूर थे तभी तो लूटने आए, तभी तो अफगान और मुगल लूटने आए और अंग्रेज आए, नहीं तो भारत में यदि संपदा नहीं रहता तो कौन आता भारत में। तो भारत को पहचानो, भारत की ये पहचानो कि भारत क्या था। और आज भी भारत इतना है कि विश्व में अपना एक अलग स्थान रखता है। इस बारे में हम लोग, मैं भारत फाउंडेशन काम कर रहा हूं। आपको एक बात और बता दूं कि शोभा जी शायद ही कोई जगह है देश में या विदेश में जान नहीं गई है, इन्होंने 1000 से अधिक मोटिवेशनल स्पीच दिया है, लोगों को जगाया है, वक्त आ गया है अब उठो कुछ करो सो मत। तो अभी आप इनकी बात सुन के समझ गए होंगे कि इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली, भारत में कुछ है तभी तो लुटेरे आए थे, तो अपने भारत को पहचानो। शोभा जी मेरे को ये बताइए कि अभी कलकत्ते में प्रशांत माहेश्वरी जी और संतोष लाहोटी जी ने एक माहेश्वरी इंटरनेशनल बिजनेस फाउंडेशन रखा है, जिसमें वो चाहते हैं कि इंटरनेशनली जितने भी माहेश्वरी हैं जो एंटरप्रेन्योर है, जस्ट लाइक कॉफी विद एंटरप्रेन्योर विच यू आर वाचिंग इन लाइक टीवी, ज्यादा से ज्यादा जुड़े, ज्यादा से ज्यादा देखें लोग, और माहेश्वरी एक जगह आए जो जिसके लिए पहचाना जाता है, एक मारवाड़ी को पहचाना जाता है धंधे के लिए, अच्छे बिजनेस पर्सन के लिए, वो ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर बनाए और ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर जो है आप जैसे लोग उन लोग को इनकरेज करे कि हाँ तुम बन सकते हो। किस तरीके से आपको क्या कहना चाहती है उसके लिए कि क्या इनका प्रोजेक्ट में क्या है? मैं इस प्रोजेक्ट को बहुत मतलब हाई प्रोजेक्ट मानती हूँ कि इस प्रोजेक्ट का एक बहुत अच्छा उभार आ सकता है, क्योंकि देखिए आज तक हम लोग जिस तरह से माहेश्वरी समाज अपने देश से निकलकर बिजनेस के लिए ही सब जगह नाम कमाए अपना, और जहां पहुंचे ना कभी जहां ना पहुंचे गाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी बैलगाड़ी बैलगाड़ी राइट, ऐसे महेश्वरीज और ऐसे मारवाड़ीज और जो इस टाइप का बिजनेस फोरम की आज बहुत जरूरत थी, क्योंकि आज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महेश्वरी समाज के बहुत अच्छे संगठन चल रहे हैं, लेकिन एक बिजनेस फोरम का क्या हो रहा है कि हम लोग ट्रस्ट बना रहे हैं, हम लोग आदित्य विक्रम बिरला ट्रस्ट है हमारे पास जो एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए मतलब लोन्स देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये जो सेक्टर ये बनाए हैं इंटरनेशनल बिजनेस फोरम, इसका जो मूल मुद्दा है कि बिजनेस टीचिंग से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप से लेकर मतलब एक दूसरे से परिचय से लेकर मार्केट देने से लेके मार्केट लेने से लेके एक अलग प्लेटफॉर्म तैयार करने की जो बात ये सोच रहे हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि देखिए ट्रस्ट से हम जरूरतमंदों को, महिलाओं को, जरूरतमंदों को मेडिसिन के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे बिजनेस के लिए हो, चाहे शिक्षा के लिए हो, चाहे खेलकूद के लिए हो, चाहे प्रतिभा के लिए हो, हम लोग सहयोग राशि देते रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जिनको हम बहुत ही जरूरतमंद है, जिनको रोजी रोटी के लिए, जिनको खाने के लिए भी हम सहयोग देते हैं, उनको यदि हम उसके साथ यदि एक छोटा सा एंटरप्रेन्योरशिप का एक रास्ता बता दे, छोटा सा बिजनेस दे, उनको कुछ आता है तो उनको पैसा दे के उसे वो चीज करवा ले, एक छोटा सा जैसे आंगनबाड़ी वाली चीज है कि हस्तशिल्प कुछ आता हो, कुछ छोटी मोटी चीज बनाना आता हो, तो इस टाइप का यदि काम आज हमको इससे हमको सरकार से भी बहुत सहयोग मिलता है, आंगनबाड़ी और इस टाइप के प्रोजेक्ट हम यदि लेते हैं इस बिजनेस फोरम के अंतर्गत, एक MMU प्रोजेक्ट हमने भी स्टार्ट किया था, बिल्कुल आपने जो कहा महिला लोग को उठाने, महिलाओं लोग को आगे बढ़ाने के लिए, तो उस टाइप के प्रोजेक्ट में हम इसके अंतर्गत हम इस बिजनेस फोरम के साथ जुड़कर हमारी उन जरूरतमंद महिलाओं को हम लोग और आगे लाना चाहते हैं। बिल्कुल, और हम उन एंटरप्रेन्योर को भी ये बताना चाहते हैं कि आप यदि कुछ करना चाहते हो, आपकी इच्छा शक्ति होती हो, तो आप इम्पॉसिबल मतलब IMPossible आप कुछ भी कर सकते हो, और जो खुद अपने लिए कुछ करना चाहता है उसके साथ हम लोग, जैसा कि सब कोई कहता है कि जहां चाह वहां राह, अगर आप सोच लीजिए कि मुझे करना है तो आप कर सकते हैं। एज एन एंटरप्रेन्योर शी हैज क्रिएटेड मेनी लेडी एंटरप्रेन्योर जिनकी बैकिंग उन्होंने की है, बहुत आगे बढ़ाया, इसी कोशिश में MMU है जो कि अब माहेश्वरी इंटरनेशनल बिजनेस फाउंडेशन के साथ एसोसिएट होकर कुछ बड़ा करने वाला है। आप भी एंटरप्रेन्योर है, आपकी भी कोई जर्नी है इंटरेस्टिंग, तो वेट किस बात का, आप हमारे साथ एसोसिएट होइए और आपकी जर्नी हमारी टीम के साथ शेयर कीजिए। अगर आपकी जर्नी इंटरेस्टिंग होती है तो हम मौका देंगे आपको हमारे शो में आने का। टिल देन, सो आई वांट टू हैव अ सिप ऑफ कॉफी विद दिस ग्रेट लेडी
so that I get energy and motivation. We are watching Coffee with Entrepreneur with Like TV in association with Maheshwari International Business Foundation. Thank you so much, Joba ji, for coming in the show. आप कुछ कहना चाहेंगी? Yes, Vandana. मैं हरदम सबको बोलती हूँ, life is learning process. आपने कहा मुझसे मिलके खुशी हुई. Same to you, also same to me, because मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखी हूँ अभी. नहीं, थोड़े से देर में. Thank you so much. बहुत कुछ, क्योंकि आपका presentation भी बहुत अच्छा लगा. तो इस बात पे भी ध्यान रखिएगा. Life is learning process. हरदम सीखते रहिए. Thank you. So have a cup of coffee with Like TV and watch the motivational journey with only कुछ special लोग जैसे शोभा जी जैसे, ताकि हम charge हो सके. Bye bye. Thank you.